तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ अमरीश शुक्ला और आप देख रहे हैं एक ऐसा वीडियो जिससे आप ये सीख पाएंगे कि जो टीजीटी कला अध्यापक भर्ती परीक्षा है इसको क्रैक करने के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं और अपने विषय वस्तु को किस तरीके से रखें ताकि उस टाइम टेबल में फिट हो जाए और आप इस परीक्षा को क्रैक कर पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे लाइव सेशन में या वीडियो में कमेंट करके ये कहा कि सर आप इस पर वीडियो बनाइए ताकि हम लोग अपना एक शेड्यूल मेंटेन कर पाएँ। देखिए, जब तक किसी चीज़ का शेड्यूल मेंटेन नहीं होता वो काम नहीं हो पाता है। आप खुद अपने जीवन में इस चीज़ को समझते होंगे, महसूस करते होंगे कि जब आप किसी चीज़ का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं तो वो काम बेहतर तरीके से हो पाता है, और अगर रैंडम आप कोई काम करते हैं तो वो अच्छे से हो नहीं पाता है। इसीलिए हर चीज़ का एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है, और वो लॉजिकल हो। ऐसा नहीं कि लॉजिकल हो, आपने कोई भी सिस्टम बना लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कह दिया कि मेहनत बहुत करनी है, वो आपने क्या किया कि अपना कई इंपॉर्टेंट काम छोड़ दिया और 15 घंटे 16 घंटे के लिए एक दिन बैठ गए, दो दिन बैठ गए, तो होता क्या है कि आप लंबे समय तक बैठ भी नहीं पाएंगे इतना देर तक, और जो इंपॉर्टेंट काम आपने छोड़ दिया वो आपका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए कितना आवश्यकता है समय देने का इस विषय को और वो किस तरीके से दिया जाए, इस पर जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो मैं आज बताऊंगा आपको। इसके अलावा आपकी इससे बेहतर राय हो सकती है और मेरी राय को फॉलो करना आपकी राय होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा हेडिंग होगा पहले वो यही होगा कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। टाइम टेबल कैसे बनाएं? अब चूंकि जो टीजीटी कला है इसमें कंपटीशन का लेवल कुछ इस तरीके से हो गया है कि बाकी जो सब्जेक्ट हैं जिनमें पहले बहुत कंपटीशन होता था, जैसे मैथ है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, हिंदी है, संस्कृत है, उनसे ज़्यादा कंपटीशन आपको कला में देखने को मिल रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है टेक्निकल आर्ट। क्या है? टेक्निकल आर्ट है। ये टेक्निकल आर्ट इतनी आसानी से हो जाता है कि कोई भी कर लेता है, जॉब वाले भी कर लेते हैं इजली, क्योंकि एक फॉर्म भरना होता है बोर्ड के फॉर्म के साथ में, उसको पास कर लिया और उसके बाद में टीजीटी देने की एलिजिबिलिटी हो जाती है। ऐसे में ये करना बड़ा आसान हो जाता है और इसीलिए संख्या इतनी बढ़ गई। आप जान करके हैरान होंगे कि इस वर्ष करीब 1 लाख के आसपास लोग एग्ज़ाम देंगे टीजीटी कला का। कितने? 1 लाख के आसपास लोग एग्ज़ाम देंगे। तो इसका मतलब कि कंपटीशन का लेवल हाई है, क्योंकि जो सीटों की संख्या है मात्र 132 है बालक वर्ग में, और अगर वही बात करें बालिका वर्ग में तो 16 सीट है। टोटल संख्या अगर आप देखेंगे तो 148 है। कितनी है? 148 है। 148 पद और लाख से ऊपर लोग एग्ज़ाम देंगे, तो इसका मतलब कठिनाई का स्तर बहुत ज़्यादा है। सिलेक्शन तो किसी ना किसी का होगा, 148 लोग तो सिलेक्ट होंगे। अब कौन होगा पहले से नहीं डिसाइडेड है। इसका मतलब कि जिसकी स्ट्रेटजी सबसे स्ट्रांग होगी, जिसका मेहनत सबसे बेहतरीन तरीके से होगा, वो जा कर के क्रैक कर लेगा, बाकी लोग असफल होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है वो इसी बात पर डेडिकेटेड है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं और इस विषय को कितना समय देने की आवश्यकता है। क्या ये IIT की तरह है या ये IAS के एग्ज़ाम की तैयारी की तरह है कि इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के पढ़ना है या बहुत छिछले पढ़ करके जो आपका काम हो सकता है, तो इन सारी बातों को हम समझते हुए टाइम टेबल बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो इसके एग्ज़ाम की प्रकृति है वो क्या है। आप जानते हैं कि बहुत डीप प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? फैक्ट मतलब तथ्य पूछे जाते हैं। फैक्ट मतलब होता है तथ्य पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे पूछ लिया कि शैलेंद्रनाथ डे किस शैली के चित्रकार थे। फॉर एग्जांपल सवाल पूछ लिया कि शैलेंद्रनाथ डे किस शैली के चित्रकार थे, आपको ऑप्शन दे दिया वास शैली, तैल रंग शैली, पहाड़ी शैली या राजस्थानी शैली। अब जिसने पढ़ रखा है वो बताएगा कि वास शैली के चित्रकार थे, अवनी बाबू के शिष्य थे। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इन प्रकार के सवालों को तैयार करने के लिए कितना समय एक विषय को देने की आवश्यकता है, यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, क्योंकि जो 90% लोग हैं वो किस बैकग्राउंड से आए हैं? TA यानी कि टेक्निकल आर्ट बैकग्राउंड से आए हैं। इनको
कला का काबी नहीं पता है, ये कला का काबी नहीं जानते, इनको नहीं पता टेम्परा क्या होता है, इनको नहीं पता वास शैली क्या होता है, इनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली तो ये है कि पता ही नहीं है कि पहले क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े ताकि एक कनेक्टिविटी बन जाए, ये भी नहीं पता है। तो इनके लिए तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि पढ़ना कैसे है वो जान पाए, तब तो जाकर के पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ों आपको समझनी है कि जो सवाल आते हैं वो फैक्ट बेस्ड आते हैं और इसको किस तरीके से तैयार करना है ये चीज़ हम समझते हैं और इससे ये आंकड़ा लग जाएगा कि कितना समय इसको देने की आवश्यकता है। अब अगर मैं TGT के सिलेबस की बात करूँ, TGT कला के सिलेबस की बात करूँ, तो इसका सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। अगर कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ करके जाता है तो पक्का फेल होगा, गारंटी लिख के ले लो। आप कहेंगे फिर सवाल कहाँ से आता है, मैं कहूँगा कि चयन बोर्ड ने जो सिलेबस लिख करके रखा है उससे बाहर काफ़ी कुछ पूछता है वो, समझ रहे हैं ना। तो सिलेबस में बहुत कम चीज़ें लिख के रखी हैं, आप अगर को अगर मुकदमा करना जाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस से बाहर वो हमेशा से पूछते आए हैं और पूछते रहेंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस आपका बहुत छोटा, अगर आप सिलेबस देखें तो मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई मेहनती व्यक्ति हो तो एक महीने में पढ़ ले पूरा सिलेबस, विद इन वन मंथ, एक महीने में वो पूरा सिलेबस पढ़ करके ख़त्म कर सकता है। लेकिन है क्या कि सिलेबस से बाहर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न आर्ट, जो आपका वेस्टर्न आर्ट है ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन TGT में हर बार 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। और अगर इसको बड़े कैनवास में देखने का प्रयास करें तो इनकी संख्या 10 तक पहुँचती है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो रिलेट करते हैं इनसे, तो 10 के आसपास सवाल वेस्टर्न आर्ट से पूछ लेते हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। अब आप सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो फेल ही होंगे। कुछ तथाकथित बड़े कोचिंग सिलेबस देख करके पढ़ाते हैं, आप भी बहुत प्रसन्न हैं कि हाँ सर ने 10-12 हज़ार रुपये ऑनलाइन फीस ले लिया, ऑफलाइन फीस 20 हज़ार रुपये ले लिया और पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा दिया, बाद में जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि हमारा तो नहीं हुआ, पता क्या बगल वाले का उसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, हुआ किसका, वो लड़का जो थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ रहा था, वो सिर्फ सिलेबस को नहीं देख रहा था, वो ये देख रहा था कि चयन बोर्ड सवाल कहाँ से पूछ रहा है, तब जाकर के उसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो ये तो है इस विषय की दुविधा कि इसका जो सिलेबस दिया हुआ है उससे बाहर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ है जिस पर मुझे बात करनी है। तो सवाल आप जान गए कि फैक्ट पूछे जाते हैं, अल्टरनेटिव सवाल होते हैं, सवालों की संख्या 125 होती है, इनको तैयार कैसे करना है सबसे बड़ा सवाल ये है। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको फैक्ट तैयार करना है, अगर आपको फैक्ट तैयार करना है तो लोग कहते हैं कि रटते रहो, रट्टा मारते रहो, कैसे नहीं याद होगा, याद कैसे नहीं होगा, एक बार नहीं पढ़ेंगे 20 बार पढ़ेंगे याद कैसे नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि आपके दिमाग की याद करने की एक क्षमता है, ऐसा नहीं है कि वो सुपर कंप्यूटर है, आप कुछ भी उसमें ठूसते चले जाओगे और वो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई ही नहीं है। और इस भ्रम में अगर आप जी रहे हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। करना क्या है कि फैक्ट को रटना तो होता ही होता है, करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ रटने से नहीं होगा, समझ भी आपको विकसित करना पड़ेगा। अब समझ विकसित करने के लिए क्या हम बैठ जाएं ये समझने के लिए कि टेम्परा क्या होता है, बेसिकली उसमें कितने रंग मिलाए जाते हैं, कितना मात्रा होता है, नहीं साहब इतना नहीं समझ विकसित करना है। आपको पेंटिंग थोड़ी बनाना है, आपसे तो कला का इतिहास पूछा जा रहा है। आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है कि सवाल में गहराई किस लेवल तक है, और आपकी जो समझ बनानी है कला में वो बस इतनी बनानी है कि जो फैक्ट हैं ये आपको बोझिल ना लगें, ये आपकी हेल्प करते रहें, बस इतनी सी समझ आपको बनानी है। इतनी सी समझ अगर आपने बना ली तो आपका काम हो गया। अब होता क्या है कि मैं कला की तैयारी में एक चीज़ देख रहा हूँ, जो अधिकतर स्टूडेंट हैं वो सिर्फ क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। सर आपने कितने क्वेश्चन का टेस्ट पर डे करवाया, मैं तो पर डे नहीं करवाता हूँ टेस्ट, मैं तो संडे टेस्ट कराता हूँ। वो कहते हैं कि सर वो फलाने सर हैं जो पर डे टेस्ट करा रहे हैं। हमने कहा ठीक है आप कर लीजिए उनके साथ। पर डे टेस्ट लेने का मतलब या पर डे टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, वो तो अपने दिमाग पर जोर दे रहे हो कि याद कर लो याद कर लो, याद नहीं करोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। दिमाग में चीज़ें पहले बैठने दीजिए फिर उसका टेस्ट लीजिए। अब केवल टेस्ट से आप दिमाग को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक सही तरीका नहीं है। तो करना क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देख करके एक समझ विकसित करना है कि
सब्जेक्ट है क्या वास्तव में, प्रागैतिहासिक कला का मतलब क्या है, प्राचीन गुफाएं क्या हैं और कनेक्टिविटी उनकी कैसे बन रही है, हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या है, पाल एवं जैन शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, लोक कलाएं क्या होती हैं, तो इनका एक मोटा माटी समझ होना चाहिए। मैं अचानक आपसे पूछूं कि लोक कला क्या होता है, आप कहोगे कि मधुबनी लोक कला है और अहिपन लोक कला है, और आप कहेंगे कि हाँ वो जो दिवाली पर बनाया जाता है घर में रंगोली भी लोक कला है, सांची है, तो इस प्रकार आपको पता है कि लेकिन लोक कला क्या है आपको नहीं पता है। लोक कला का मतलब क्या होता है कि वो कला जिसको लोक यानी कि पब्लिक इस्तेमाल करे, सामान्य जन इस्तेमाल करने लगे, जैसे कालीघाट का पटुआ क्षेत्र, यामिनी राय का पसंदीदा, वो भी लोक कला है। लोक कला का मतलब अगर आप नहीं जानेंगे तो आप कितनी भी लोक कलाओं को याद कर लें कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा सवाल बदल दिया आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मतलब जानिए लोक कला का मतलब क्या होता है, मुगल शैली की मेन थीम क्या है, वो ईरानी हिंदुस्तानी से मिलकर के बनती है, उसका जो मूल सिद्धांत है वो क्या है उसको आप जानिए, कि पोर्ट्रेट कब बनना स्टार्ट हुआ, जहांगीर के टाइम पर कला कैसे शिखर पर पहुंच जाती है, प्रकृति चित्रण कब खूब होता है, शाहजहां के टाइम पर कैसे उसमें बॉर्डर को बनाया जाता है, तो इन सब की एक बेसिक समझ अगर होगी तो बहुत सारे सवाल आपके वैसे ही सही हो जाएंगे और आपके दिमाग का प्रेशर भी कम हो जाएगा, यानी कि जो फैक्ट वाली बात है इस पर आपको थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा अगर समझ विकसित कर लिया। और अगर केवल इसी पर निर्भर रहे तो जब परीक्षा हाल में पहुंचेंगे तो आपने 10-12 हज़ार सवाल को दिमाग में रटा है, वहां पर हर सवाल के 2-3 विकल्प आपको सही नजर आएंगे और फिर रिजल्ट क्या होगा, फेल। तो समझ विकसित करिए, तब उसको रटने का याद करने का प्रयास करिए, इस प्रकार आपका काम हो सकता है। तो ये तो हो गया तरीका, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, कितना समय देने की आवश्यकता है। तो अगर विषय वस्तु को आप देखें, इसके सिलेबस को देखें, तो इस कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने के लिए जो पूरी थ्योरी है, जो पूरी की पूरी थ्योरी है, इसको पढ़ने के लिए आपको 2.5 से 3 महीने पढ़ने की आवश्यकता है, कितना, 3 से 4 घंटे। अगर आप 2.5 से 3 महीने 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं तो कला की संपूर्ण थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ सकते हैं बोल रहा हूँ, तैयार हो जाएगा या नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ना और तैयार हो जाना इन दोनों के बीच में एक शब्द होता है रिवीजन, ठीक है ना। तो रिवीजन जब करेंगे तभी तैयारी होगी, लेकिन पढ़ आप सकते हैं 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट थ्योरी किसकी, टीजीटी आर्ट की कंप्लीट थ्योरी आप 2.5 से 3 महीने में पढ़ सकते हैं। और अगर ये करने में आप सक्षम नहीं है तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव इसका है, जो मेरा पेड क्लास है उसमें मैं पूरी थ्योरी पढ़ाता हूँ, कोई वो बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं कि क्वेश्चन आंसर करा करके आपसे पैसा ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन आंसर मैं फ्री करवाता हूँ यूट्यूब पर, सुबह 8 बजे रात 9 बजे एकदम फ्री, कोई चार्ज ही नहीं है, फ्री एग्जाम तो चलेगा। जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ वो पेड क्लास है मेरा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा जो पेड क्लास है वो मेरे ऐप पर मिलता है, जो वीडियोज है उन्हें आप स्पीड बढ़ा करके भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना और तैयार होना इन दोनों के बीच में क्या है, रिवीजन है। जब तक आप इस मोड में नहीं आएंगे तब तक आप यहाँ नहीं पहुँच सकते, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना है तो ये शॉर्टकट नहीं है, ऐसे आपको जाना होगा, यानी कि रिवीजन से होकर के आपको जाना होगा, तब जाकर के आपका काम बनेगा। तो जब तक आप पढ़ ही नहीं पाओगे जल्दी जल्दी फास्ट, तब तक आप रिवीजन मोड में नहीं आ पाओगे, और अगर रिवीजन मोड में आप नहीं आ पाओगे तो तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। तो ये एक तरीका है कि आपको पढ़ना कितना है, 3 से 4 घंटे पर डे पढ़ना है, तब जाकर के 2.5 से 3 महीने में आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब रॉ मटेरियल एकदम तैयार है कि हमें टाइम टेबल बनाना कैसे, क्योंकि हमने समझ लिया कि पढ़ना कैसे है और कितना समय हमको देना है, अब हमको बनाना है टाइम टेबल। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो TGT कला अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठने वाले लोग हैं उनमें 90% ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि यू हैव टू अर्न, आपको कमाना है, बैठकर खाने वाली अवस्था समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जो बैठकर खाने वाली अवस्था होती है वो 20-22-23 साल तक होती है, उसके बाद पेरेंट्स भी कहते हैं कुछ कर लो यार, इतना पढ़ाई लिखाई ट्यूशन ही पढ़ा लो।
तो ये जो TGT की तैयारी करने वाले लोग हैं, इनकी जो स्थिति है वो ऐसी हो चुकी है कि उनको अब कमाना ही कमाना है, यानी कि उनके दिमाग में कमाने वाली चीज़ें चल रही हैं। तो जब कमाने वाली चीज़ें चल रही हैं तो निश्चित तौर पर ये बात है कि वो जॉब कहीं ना कहीं करेंगे, मे बी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, ठीक है ना, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी करेंगे। गवर्नमेंट में देख पा रहा हूँ कि जैसे जो पुलिस में जॉब कर रहे हैं, जो आर्मी में जॉब कर रहे हैं, ये ऐसे लोग भी सोसाइटी की जॉब चाहते हैं, यानी कि टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या 90% है। अब 90% लोग अगर जॉब में हैं, उसके साथ उनको पढ़ाई करना है, या इसमें एक कैटेगरी और है, हाउसवाइफ, ठीक है ना, इसमें कैटेगरी क्या है, हाउसवाइफ की, जो महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, उनकी कैटेगरी है, उनके पास भी उतना ही टाइम होता है जितना एक जॉब करने वाले बंदे के पास होता है, क्योंकि उनको अपने बच्चों को भी देखना है, घर में खाना भी बनाना है दोनों टाइम, परिवार को भी देखना है, बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं हाउसवाइफ की। तो ये जो कैटेगरी है, इनके पास सीमित समय है, यानी कि इनके पास वो नहीं है कि स्टूडेंट लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता रहता है, किसी भी समय किताब खोल लिया पढ़ने लगा, वो इनके पास सुविधा नहीं है। इनको एक टाइम स्लॉट बनाना होगा और उस टाइम स्लॉट में ही इनको पढ़ाई करना होगा, तब जाकर के काम बनेगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो टाइम टेबल बनाएंगे उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो पार्ट है वो है एग्जाम घोषणा से पूर्व। इसका मतलब क्या है कि जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाता है तब तक की जो स्ट्रेटजी, और दूसरा है एग्जाम डेट आने के बाद। अब आप कहेंगे कि इसका क्या अर्थ है, क्या समझाना चाह रहे हो आप? मैं चयन बोर्ड को जानता हूँ, शायद आप ना जानते हो या हो सकता जानते भी हो, चयन बोर्ड का कुछ पता नहीं कि वो कब विज्ञापन जारी कर दिया, किस दिन परीक्षा करा लेगा, कब परीक्षा नहीं कराएगा। 2016 में जो फॉर्म भरा गया उसका एग्जाम 2019 में हुआ है, समझ रहे हो ना? तो कभी भी टाइम ज़्यादा लग सकता है या शॉर्ट टाइम में भी हो सकता है, तो आपको दोनों स्ट्रेटजी बना करके चलना होगा। तो सबसे पहले क्या है, अभी कोई एग्जाम डेट तो आया नहीं है, तो एग्जाम घोषणा से पूर्व जो आपकी स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए तैयारी करने की, ठीक है ना, इस पर हमें फोकस करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि समय का बंटवारा कैसे करें, समय का सदुपयोग कैसे करें। आप जानते हैं कि नॉर्मल घरों में लोग कितने बजे सो के उठ जाते हैं, 6 बजे तक, मान लीजिए कि 6 बजे तक लोग सो के उठ जाते हैं। उसके बाद में अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसको उठना पड़ेगा, अगर कोई जॉब पे जाने वाला बंदा है तो उसको उठना पड़ेगा, और उठते ही वो अपनी नित्य क्रिया में लग जाएगा, इन सारी चीज़ों में लग जाएगा, यानी कि उसके पास उसके बाद टाइम निकलना बहुत मुश्किल है। और अगर वो निकाल भी रहा है तो चाय पीते हुए पढ़ाई कर रहा होगा, नाश्ता करते हुए पढ़ाई कर रहा होगा, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तब होती है जब पढ़ने के लिए ही बैठते हो। तो इसका मतलब कि अगर आपको सुबह के समय पढ़ाई करना है, मॉर्निंग में आपको पढ़ाई करना है, तो आपको 6 बजे से पहले अपना समय बनाना ही होगा। अगर आप अपनी जगह पर ठीक महसूस नहीं कर रहे हो, आपको जॉब चाहिए, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो आपको इस 6 बजे से पहले ही अपना पढ़ाई समाप्त करना होगा मॉर्निंग शिफ्ट का। इसका मतलब कि आप 4 बजे कम से कम, 4 AM पर कम से कम आप जो है उठ करके पढ़ाई में लग जाइए, और 2 घंटे कम से कम सुबह की पढ़ाई कर लीजिए। कितनी? 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे सुबह की पढ़ाई। अगर ये 2 घंटे आपने सुबह की पढ़ाई नहीं की तो निश्चित तौर पर आप लोगों से पीछे होते चले जाएंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद में बहुत कम संभावना है कि आपको वर्किंग डे में टाइम मिले पढ़ने के लिए। हाँ, मे बी आपको टाइम मिल सकता है कब, जब छुट्टी हो आपका, छुट्टी अगर हॉलीडे है तो आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन वर्किंग डे में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस टाइम का उपयोग करिए और 2 घंटे सुबह का आप पढ़ाई के लिए निकाल लीजिए। अब जो लोग हाउसवाइफ हैं, जॉब करते हैं, दिन में उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, वर्किंग डे में उनके पास टाइम नहीं है, यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं। वो काम क्या है कि जो थ्योरी की चीज़ें, जैसे मान लीजिए मेरा ही वीडियो है, अगर आपने ज्वाइन करके रखा तो मेरी जो क्लासेस हैं मेरे ऐप पर पड़ी होती हैं। आप दिन में, आपको लंच का टाइम मिलेगा, छुट्टी का टाइम मिलेगा, 1-2 घंटे तो मिलता ही मिलता है, उस समय करिए क्या, या जब कभी भी आप खाली हों
और आपके आपको लगता हो कि अभी एक घंटे मुझे कोई काम नहीं करना, मैं फ्री हूँ, ऐसे में क्या करिए कि ईयरफोन को निकालिए, वीडियोस को प्ले कर दीजिए और उसको एक साइड में रख दीजिए, आराम से सुनिए। तो जो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा अगर आप निकाल पाते हैं दिन में बस उस थ्योरी को सुनने के लिए, तो ये आपका एक्स्ट्रा यानी कि प्लस सरप्लस में आपका चला जाएगा। अगर ये काम आप कर पाते हो तो दिन में आप ये काम कर लीजिए 1 से 1.5 घंटे अगर टाइम निकाल पाते हैं तो। जो लोग घर पे रहते हैं, केवल खाना खाते हैं, सोते हैं, तो उनके लिए तो बहुत सारा टाइम है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो 90% है, यानी कि जो जॉब करते हैं सरकारी या प्राइवेट या हाउस वाइफ है। बाकी जो कहीं पर कोई जॉब नहीं करते हैं वो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद में शाम में आपको 7 बजे से पहले कोई छुट्टी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप आएंगे थके होंगे काम से, तुरंत से आप पढ़ाई पर नहीं बैठ सकते। और कई तो हमारे साथी पुलिस में है जिनका कभी छुट्टी होता ही नहीं है, पता नहीं इनको रात में 8 बजे तलब कर लिया गया, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसके मैं मान लेता हूँ कि 7 बजे छुट्टी आपको मिल जाएगा। अगर 7 बजे आपको छुट्टी मिल गया तो 7 से लेकर के 10 से 11 यानी कि कम से कम 3 से 4 घंटे का समय आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। तो जो हमारा टारगेट है कि थ्योरी को पढ़ने के लिए, अगर आपको थ्योरी पढ़ना 3 से 4 घंटे आप पढ़ते हैं कब, 2.5 से 3 महीने तक, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो ये सुबह का 2 घंटे 4 घंटे, ये शाम का, और 1 से 1.5 घंटे यानी कि 5 से 6 घंटे अगर आप निकाल पाते हैं तो आपका थ्योरी भी होगा और उस थ्योरी का रिवीजन भी साथ में होता रहेगा। इस तरीके से आप अपने टाइम को अगर मैनेज करेंगे तो निश्चित तौर पर आप 2.5 से 3 महीने या 4 महीने में सिलेबस में एक अच्छी मजबूत पकड़ आप बना सकते हैं और फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी युद्ध में जाने से पहले हार जीत के बारे में नहीं सोचना है, हारेंगे जीतेंगे कुछ नहीं सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, बस करना है। ठीक है, हारेंगे या जीतेंगे कोई दिक्कत नहीं, करना है, पढ़ना है हमें, बस पढ़ करके जाएंगे, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा उससे भी अच्छी बात है, आगे फिर से पढ़ेंगे। ये टेंशन अगर आपने ले लिया तो फिर पढ़ भी नहीं पाएंगे कि 1 लाख लोग एग्जाम देंगे, 132 सीट है, मेरा क्या होगा, हम तो पहली बार कला देखा है, कला का काफ़ी नहीं पता है। ये सब अगर आपने सोच लिया तो प्लीज़ आप छोड़ दीजिए, इससे आपसे नहीं हो पाएगा। ये सब नहीं सोचना है आपको, बस ये सोचिए कि 132 में मैं भी तो हो सकता हूँ, मेरे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, 1 दिमाग है 2 आँखें हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ। तो ये सोच करके जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल हो सकते हैं। तो ये तरीका आप अगर अपनाएंगे तो ये आपका एक सही शेड्यूल बन पाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो लोग ज़्यादा टाइम निकाल पा रहे हैं, यानी कि केवल पढ़ाई कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, केवल नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना ये समय 7 से 8 घंटे भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके पास दिन में पर्याप्त टाइम होता है पढ़ने के लिए। तो वो इस समय को 7 घंटे 8 घंटे भी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। अब चूँकि जो दो कामों में फंसा हुआ, यानी कि पढ़ना भी है और नौकरी भी करना है, तो उसके लिए थोड़ा तो मुश्किल होगा ही, लेकिन ये तरीका अपना करके आप फाइट जरूर कर सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी जो है जो मैंने टाइम टेबल में बताया, इससे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन मोटा माटी 5 से 6 घंटा तो आपको लेना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपकी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम 6 महीने बाद होगा या 3 महीने बाद होगा, कोई कुछ कन्फर्म नहीं है, कभी भी हो सकता है। प्रेडिक्शन करना महाबेवकूफ़ी है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से अपना काम कर दी है, कोई चीज़ बाहर नहीं आती, अचानक से आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि थ्योरी को पढ़ने के लिए क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, उसमें कुछ ठीक भी हैं, कुछ नहीं ठीक भी हैं, तो उन पर कोई कमेंट करना मेरी खुद की समझदारी ऐसी नहीं कि मैं किसी को अच्छा बुरा कहूँ, ये मेरा काम भी नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ। मेरे पास वो क्या इक्विपमेंट हैं जो आपकी थ्योरी की तैयारी करा सकते हैं, तो एक तो सुविधा मेरे पास है, मेरा कंप्लीट नोट्स, ठीक है ना, मेरा 8 सुपर नोट्स है, क्या है मेरा सुपर कला रिवीजन नोट्स है जो कि तैयार है, इसको आप ले सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैं आपको इसकी एक कॉपी दिखा दे रहा हूँ,
ये मेरे हाथ में इसकी कापी है, अमृतसर सुपर कला रिविजन नोट्स। इसमें भारतीय चित्रकला का इतिहास, यूरोपीय चित्रकला का इतिहास, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, प्रमुख कला संग्रहालय, चित्र एवं चित्रकारों की सूची, कला के तत्व, इसके अलावा लोक कलाएं, सब कुछ, यानी कि कंप्लीट पीजीटी कला का सिलेबस आपको मिलेगा। तो एक तो थ्योरी के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा जो मेरा पेड क्लास है जिसमें मैं पूरी थ्योरी पढ़ाता हूँ उसको आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर पेड क्लास में एक आपको विशेष ऑफर मिल जाता है, इसमें आपको टेस्ट फ्री मिल जाता है। मैं संडे संडे टेस्ट कराता हूँ, वो टेस्ट आपको पेड क्लास में फ्री मिल जाता है। तो आप ये दोनों ले सकते हैं लाभ, जिससे आपकी थ्योरी बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट नोट्स में भी प्रोवाइड करता हूँ और क्लास में भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप दोनों में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे इसको हम प्राप्त करेंगे, अगर इसको बुक करना है या इसको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ये है मेरा फ़ोन नंबर 9616 82 76 46। इस पर आप व्हाट्सअप करिए या फ़ोन करिए, संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टाइम टेबल पर मैंने आपको बातें बताई, जो एक्सपीरियंस शेयर किए, संभवतः आपके काम आए, उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी उसको आप घटा सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अलग अलग क्षमता होता है, सबकी अपनी अलग अलग राय होती है। जो मेरी खुद की समझ थी, जो चयन बोर्ड की मेरी समझ है, उसके आधार पर मैंने अपनी राय रखी। इसको मानना ना मानना ये आपका व्यक्तिगत राय होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद।